खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि कश्मीर को लेकर हलचल तेज हो गई है। देर रात पीडीपी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष उमर अब्दुल्ला को नजरबंद कर दिया गया। इन दोनों नेताओं को घर से बाहर निकलने की इजाजत देर रात से नहीं है। इनके साथ साथ पूरे कश्मीर में धारा 144 लागू है, मोबाइल इंटरनेट सेवाएं सब बंद है, लैंडलाइन के फोन भी काम नहीं कर रहे। बड़ी खबर इन सब के बीच ये है कि कश्मीर पर हलचल के बीच आज सुबह 9:30 होनी है मोदी कैबिनेट की बैठक। सवाल ये कि क्या इस बैठक में कश्मीर पर होगा कोई बड़ा फैसला। चार तस्वीरें जो इस वक्त पूरी घाटी का सूरत हाल दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर तक आपके सामने रख रही हैं। महबूबा नजरबंद कर दी गई हैं, उमर अब्दुल्ला नजरबंद कर दिए गए हैं। ये देर रात हुआ ताजा घटनाक्रम है। वहीं पूरे कश्मीर में धारा 144 है और आज सुबह 9:30 मोदी कैबिनेट की अहम बैठक होने वाली है। माना यह जा रहा है कि इस बैठक से पहले का ये एक्शन बताता है कि मोदी कैबिनेट आज सुबह 9:30 कश्मीर को लेकर कोई बड़ा फैसला ले सकता है। महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला देर रात ही नजरबंद कर दिए गए। आपको याद होगा कल कश्मीर में ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई थी, कश्मीर के तमाम दल उस बैठक में शामिल थे। उसके बाद मीडिया के सामने आकर महबूबा मुफ्ती ने, इसके साथ साथ दूसरी पार्टियों ने भी कहा कि हमें डर लग रहा है, लोगों के बीच खौफ है। और नजरबंद होने के बाद क्या ट्वीट आया महबूबा मुफ्ती का, आपको सुनना चाहिए। ये कैसी विडंबना है कि हमारे जैसे चुने हुए प्रतिनिधि जिन्होंने शांति के लिए लड़ाई लड़ी उन्हें नजरबंद कर दिया गया है। दुनिया देख रही है कि किस तरह लोगों की आवाज दबाई जा रही है। उसी कश्मीर को दबाया जा रहा है जिसने लोकतांत्रिक भारत को चुना था। देश के लोग जाग जाएं। महबूबा मुफ्ती पूर्व सीएम जम्मू कश्मीर की ये ट्वीट कर रही हैं। आगे वो लिखती हैं, मुश्किल हालात में मैं लोगों को ये भरोसा देना चाहती हूं कि रास्ते में जो भी कठिनाई आए हम एकजुट रहेंगे और लड़ाई लड़ेंगे। जिस पर हमारा हक है वो हमसे कोई नहीं छीन सकता। तो महबूबा मुफ्ती नजरबंद होने के बाद आगे लिखती हैं, बीजेपी नेता होने के बावजूद वाजपेयी जी कश्मीर के लोगों से प्यार करते थे और कश्मीर के लोग भी उन्हें प्यार करते थे। आज उनकी कमी हमें सबसे ज्यादा महसूस हो रही है। महबूबा मुफ्ती पूर्व सीएम जम्मू कश्मीर, एक लंबा ट्वीट उन्होंने किया नजरबंद होने के बाद। नजरबंद होने के बाद उमर अब्दुल्ला ने भी किया ट्वीट, किया ये देखिए, मुझे नहीं पता कि हमारे राज्य के साथ क्या होने वाला है लेकिन ऐसा लगता है कि कुछ ठीक नहीं होने वाला है। मुझे पता है कि जो हो रहा है उससे आप दुखी हैं लेकिन कृपया करके आप शांति बनाए रखें और कानून हाथ में ना लें। आगे लिखते हैं उमर अब्दुल्ला, हिंसा से उन्हीं लोगों को मदद मिलेगी जो राज्य का हित नहीं चाहते हैं। ये वो भारत नहीं है जिसमें जम्मू कश्मीर का विलय हुआ था। मैं उम्मीद नहीं छोड़ने वाला हूं। उमर अब्दुल्ला नजरबंद होने के बाद एक लंबा ट्वीट करते हुए। तो कल रात से लेकर अब तक का घटनाक्रम हमने आपके सामने रख दिया। अब आपको सीधे लिए चलते हैं श्रीनगर। हमारे संवाददाता आसिफ कुरैशी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आसिफ, देर रात तक की खबर लोगों को मालूम है, जब ऑल पार्टी मीटिंग हुई, बाहर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, इसमें तमाम ये कश्मीर के नेता आए और उन्होंने कहा हमें डर लग रहा है। फिर अचानक रात भर में घटनाक्रम तेजी से बदला और दो बड़े नेताओं को नजरबंद कर दिया गया। घाटी में धारा 144 है, मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बंद है। सुबह 9:30 की कैबिनेट से पहले वहां क्या एक्शन देख रहे हैं आप? कुमकुम, देखिए जो लोगों की शंकाएं थी और आशंकाएं थी वो सच होती हुई दिख रही है। जिस तरीके की आशंका लोगों ने जताई थी कि कश्मीर में एक जंग का सा माहौल बन रहा है वही बिल्कुल साबित हो रहा है। आपके पास कश्मीर के बारे में ज्यादा जानकारी है मेरे से, क्योंकि हमारा संपर्क बाकी देश दुनिया से पूरी तरीके से कट चुका है। ना मोबाइल फोन है ना लैंडलाइन फोन है, यानी कश्मीर को पूरी तरीके से पूरे देश दुनिया से काट के रख दिया गया है। इसका कारण क्या है वो आज सुबह 9:30 पता तो चल ही जाएगा, लेकिन लोगों के साथ जिस तरीके का व्यवहार इस समय हो रहा है वो काफी ज्यादा सवालों के घेरे में है, क्योंकि कश्मीर इस समय एक ऐसे दौराहे पे खड़ा है जहां पे लोगों को ये नहीं पता कि आगे होने वाला क्या है। कश्मीर की सड़कें इस समय तो बिल्कुल शांत दिख रही है क्योंकि नॉर्मल सी सुबह दिख रही है, लेकिन
विभिन्न इलाकों से जो हमें जानकारी मिली है कि जगह जगह पे कटीले तार लगा दिए गए हैं, लोगों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है और कुछ इलाकों में गाड़ियों में ये ऐलान किया गया है कि कर्फ्यू लगा दिया गया है। हम जिस जगह पे खड़े हैं इसको राजबाग इलाका कहते हैं, काफी पॉश इलाका है, हमारा ऑफिस भी यहीं पे है। यहाँ से लगातार गाड़ियों का आने जाने का सिलसिला है और ये वो गाड़ियां हैं जो वो पर्यटक हैं या वो लोग हैं जो कश्मीर छोड़ के जा रहे हैं, क्योंकि ये सड़क सीधे एयरपोर्ट की तरफ जा रही है। लेकिन जानकारी के नाम पर लोगों के पास कुछ नहीं है, केवल टीवी है जिसको देख सकते हैं, वो भी कब तक चलेगा ये भी नहीं पता, क्योंकि ज्यादातर इलाकों में केबल टीवी को भी बंद कर दिया गया है। केवल जो अधिकारी हैं उनको सैटेलाइट फोन दे दिए गए हैं, कल सोशल मीडिया के जरिए व्हाट्सएप के जरिए ये सैटेलाइट फोन के नंबर्स लोगों में बांट दिए गए, लेकिन ये किसी को नहीं पता कि इन सैटेलाइट फोन्स पे कोई फोन कर सकता है या नहीं। लोग बिल्कुल कटे हुए हैं जिसके कारण काफी ज्यादा शंकाएं लोगों में है कि आखिर होने वाला क्या है। काफी बड़ी मात्रा में यहाँ पे सुरक्षाकर्मी भी आए हुए हैं, इससे जो आशंकाएं लग रही हैं कि कहीं ना कहीं जो 370 और 35A के लिए के बारे में लोगों की शंकाएं थी कहीं सच न हो जाए, क्योंकि बिल्कुल जिस तरीके आप लगातार नजर बनाए रखें, हम आगे भी अपडेट आपसे लेंगे, क्योंकि ये बहुत जरूरी है जानना कि 9:30 बजे जो कैबिनेट की बैठक होनी है उससे पहले जो एक्शन जम्मू कश्मीर में देर रात से लिया जा रहा है उसको लेकर लोगों में किस तरह की प्रतिक्रिया है, क्योंकि 9:30 बजे ये बात खुलकर सामने आ जाएगी कि ये जो तमाम तैयारियां की जा रही हैं घाटी के अंदर उसके पीछे की वजह क्या है, वो कौन से बड़े फैसले हैं जो दिल्ली से लिए जा रहे हैं घाटी को लेकर। इन सब के बीच लगातार आसिफ हमारे साथ बने हुए हैं। आसिफ, मैं ये जानना चाहती हूं आपसे, क्योंकि देखिए आप सालों से श्रीनगर में हैं, हालात को समझते हैं, ये जो सब कुछ आप कल रात से होता हुआ देख रहे हैं, क्या आपने इससे पहले एक लंबे अरसे बाद ये सब कुछ होते हुए देखा है? और जो हम बार बार कह रहे हैं कि दिल्ली में जो 9:30 बजे आज होने वाला है, दरअसल उसका ट्रेलर हो रहा है वहां घाटी में। देखिए कुमकुम, कश्मीर में इस तरीके की घटनाएं होना कोई असामान्य बात नहीं है। हमने 2008 में, 2010 में, 2012 में, 2016 में जब यहां पे जन विद्रोह सा हुआ था और उस समय भी इस तरीके की जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो लगा दी गई थी, लेकिन इस बार खास ये है कि इस रिस्ट्रिक्शन से पहले जिस तरीके का माहौल बनाया गया, यानी लोगों के बीच में एक धारणा डाली गई कि कुछ बड़ा होने वाला है और उसके लिए कुछ कड़े कदम उठाए जाएंगे, लोगों का संपर्क काट दिया जाएगा, और बिल्कुल उसी पैटर्न में सब कुछ होता रहा है। कल देर रात जिस तरीके से पहले ऑल पार्टी मीटिंग हुई, उन्होंने एक अपील की, उसके तुरंत बाद से ही जो घटनाक्रम है काफी तेजी से बदला, और जो पहले नेताओं की नजरबंदी हुई उसके साथ साथ ये ऐलान हुआ कि अब धारा 144 लगा दी गई है और लोगों के मूवमेंट पे रिस्ट्रिक्शन लगा दिए गए हैं, उसके साथ मोबाइल सेवाएं बंद कर दी गई, लैंडलाइन सेवाएं बंद कर दी गई, यानी कश्मीर को एक ऐसे सिचुएशन में लाया गया जहां कश्मीर और कश्मीरी लोगों का संपर्क बाकी देश दुनिया से बिल्कुल भी कटा हुआ है। हम इस समय आपसे बात कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास एक सैटेलाइट वैन है और सैटेलाइट के जरिए मैं आपसे कनेक्टेड हूं। बाकी आम लोगों की क्या हालत है वो किसी को नहीं पता। मैं आपसे बात कर रहा हूं केवल इस इलाके के बारे में, क्योंकि आपने ग्राउंड जीरो पर क्या हालात है हमारे सामने रखे हैं, लेकिन ग्राउंड जीरो के हालात जो प्रभावित कर रहे हैं वो है दिल्ली के मद्देनजर हालात, और उस पर नजर हमारे संवाददाता विकास भदौरिया लगातार सुबह से, या फिर ये कहें कि कल रात से बनाए हुए हैं। विकास, आज सुबह 9:30 बजे की कैबिनेट की बैठक, वहां घाटी में पूरी तरह से एक्शन में तमाम एजेंसियां हैं, आप क्या चीजें समझ पा रहे हैं, अंदर खाने क्या निकल कर आ रहा है? जी देखिए, जो भी सरकार बड़ा फैसला लेने जा रही है उसके मद्देनजर ये हालात बने हैं, और सीधा सा मानना यह है कि सरकार जो भी फैसला लेगी वो ऐसा हो सकता है कि घाटी में या जम्मू में या लद्दाख में किसी एक तबके को इस फैसले ये फैसला अच्छा नहीं लगेगा, उसको वो फैसला नागवार गुजरेगा और उसके मद्देनजर हालात घाटी में खराब हो सकते हैं। उन्हीं खराब हालात को बचाने के लिए से बचने के लिए, शांति बनाए रखने के लिए सरकार ने पहले से ही अतिरिक्त सुरक्षा बलों को, अर्धसैनिक बलों को भेजा हुआ है ताकि राज्य में किसी भी तरह से कोई अप्रिय घटना नहीं घट सके। लोगों को सरकार ने लगातार प्रशासन के जरिए ये
भरोसा दिलाने की कोशिश की है कि जो भी फैसला होगा वो जम्मू कश्मीर के हित में होगा, इसलिए पैनिक करने की जरूरत नहीं है, शांति बनाए रखने की जरूरत है और उसके लिए तमाम जो पुख्ता कदम सरकार उठा सकती है वो उठाए हैं। उसने जगह जगह नाकेबंदी की है, जगह जगह सुरक्षा बल और अर्धसैनिक बल खड़े किए हैं, इंटरनेट और मोबाइल सेवाएं जानबूझकर बंद की गई हैं ताकि कोई भी अफवाह ना फैले और उन अफवाहों से फिर जो नुकसान होता है न केवल राज्य का अमन चैन खत्म होगा बल्कि जो हालात बनेंगे वो बेहद विस्फोटक हो जाएंगे और उसके मद्देनजर सरकार ने मोबाइल और इंटरनेट सेवाएं भी बंद कर दी हैं। ये सब जो हालात हैं वो राज्य की जनता के हित में जो निर्णय सरकार केंद्र सरकार लेने जा रही है उसके मद्देनजर उठाए गए हैं। 9:30 बजे जब कैबिनेट की बैठक होगी तो जो 3-4 ऑप्शन है जो हमें समझ में आ रहे हैं इस वक्त जो हो सकते हैं वो सरकार कैबिनेट में उसका कैबिनेट में उसको उसकी इंफॉर्मेशन देगी, उसकी सूचना देगी और उस पर मोहर लगवाएगी और उसके बाद केंद्र सरकार संसद भवन में इसका ऐलान भी करेगी। जो सबसे अहम मुद्दा है वो धारा 370 और 35A को लेकर है और ये माना जा रहा है कि सरकार धारा 370 और 35A को खत्म करने विकास विकास मुझे आपको बीच में रोकना पड़ रहा है क्योंकि मुझे एक बड़ी खबर मिल रही है और इस बार ये बड़ी खबर जम्मू से आ रही है। जम्मू में भी धारा 144 लगा दी गई है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपके सामने, स्कूल कॉलेजेस बंद कर दिए गए हैं और जम्मू में भी, जी हाँ, जम्मू में भी धारा 144 लगा दी गई है। संवाददाता अजय बाशलू जुड़ चुके हैं। अजय बताएं। देखिए, जम्मू में भी हालात की संवेदनशीलता को समझते हुए जम्मू में धारा 144 लगा दी गई है और ये सिर्फ नाम मात्र नहीं है बल्कि जम्मू के जगह जगह पर बैरिकेडिंग की गई है, अतिरिक्त पुलिस की तैनाती लगा दी गई है और कर्फ्यू जैसी स्थिति है, अगर मैं कहूं तो गलत नहीं होगा। और यहाँ पर जो इंटरनेट मोबाइल है वो भी कल रात करीब 12:30-12 बजे से बंद कर दिया गया है। स्कूल कॉलेज भी यहाँ पर बंद है और जम्मू के साथ साथ उधमपुर, रजौरी, पुंछ की बात करूँ तो सब जगहों पर स्थिति एक जैसी है। जम्मू में भी कर्फ्यू जैसी स्थिति है, बैरिकेडिंग है, स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं और अतिरिक्त पुलिस की तैनाती हम यहाँ जम्मू में सड़कों पर भी देख रहे हैं। जी कुमकुम, अजय मुझे आसान भाषा में समझाइए कि आप जम्मू के अगर मेन बाजार की बात करें, उन इलाकों की बात करें जहाँ रिहाइश बहुत ज्यादा है, या फिर आप मेन जम्मू जिसे हम कहते हैं कटरा के आसपास का इलाका या उससे बड़ा इलाका, वहां भी स्थिति ऐसी है या फिर ये वो इलाके हैं जो सीपा से सटे हुए हैं या फिर जहां पर गोलाबारी ज्यादा होती है, जो सेक्टर्स अमूमन प्रभावित होते हैं? देखिए, मैं जम्मू सिटी की बात बताऊं आपको कुमकुम को, तो जम्मू शहर में भी कर्फ्यू जैसे हालात हैं। सुबह मेरी कुछ मॉर्निंग वॉकर्स के मेरे पास फोन आए और वो जब सुबह 4 बजे मॉर्निंग वॉक करने निकले तो उन्होंने जब ये बैरिकेडिंग देखी तो उन्होंने हमें फोन किया और बाद में जब पुलिस से पता किया गया तो पूरे जम्मू में 140 जम्मू शहर और इसके आसपास के इलाकों में, आसपास के जिलों में भी सेक्शन 144 इम्पोज है और काफी स्ट्रिक्टली इम्पोज है। जो गलियां या बाइलेन जो मेन सड़कों से मिलती है वहां पर भी जो है बैरिकेडिंग की गई है और जहां तक जम्मू के कुछ संवेदनशील इलाके हैं जहां पर किसी बात का खतरा है या किसी क्लैश का खतरा है वहां पर और ज्यादा अतिरिक्त डिप्लॉयमेंट की गई है। लोगों को घरों से बाहर आने में दिक्कतें हो रही हैं और अभी जो जम्मू में बात करूं, जम्मू शहर की बात करूं और आसपास के इलाकों की बात करूं, सब जगह स्थिति एक जैसी है और सब जगह जो 144 लगा दिया गया और हालात अगर कहूं तो कर्फ्यू जैसे हैं। अजय, मैं तस्वीरें भी हमारे पास आ चुकी है, तस्वीरें भी हम लगातार घाटी की और जम्मू की दिखा रहे हैं। इन सब के बीच मैं ये सवाल पूछना चाहती हूँ आपसे कि अमूमन जब कर्फ्यू के हालात होते हैं या इंटरनेट सेवाएं बंद की जाती हैं या कॉलेजेस और स्कूल बंद किए जाते हैं तो ये घाटी में होता है। जम्मू में हम ऐसा बहुत कम होता देखते हैं और देखते भी हैं तो उन इलाकों में देखते हैं जो कि थोड़े संवेदनशील माने जाते हैं। क्या ये जो हो रहा है जम्मू में भी आपने पिछले कुछ सालों में या हाल ही के कुछ सालों में होता देखा इस तरह से? जी बिल्कुल, जब भी इस तरह की कोई स्थिति होती है तो सबसे पहला अटैक जो अगर कश्मीर इंटरनेट पे होता है तो जम्मू में भी इंटरनेट को बंद कर दिया जाता है। उसके पीछे मकसद सिर्फ एक है कि किसी तरह की जो रूमर मॉगरिंग होती है, जो अफवाहें फैलाई जाती हैं, उस पर रोक लगा दी जाए। सबसे पहला कदम प्रशासन का, चाहे वो जम्मू हो चाहे वो कश्मीर हो, उसमें यही होता है कि इंटरनेट को बंद कर दो। उसके बाद एहतियातन, क्योंकि जब इंटरनेट बंद हो जाता है तो एक
की स्थिति बन जाती है, जिन बच्चों ने स्कूल जाना होता है या जिन लोगों ने ऑफिस में जाना होता है वो लोग काफी असमंजस की स्थिति में रहते हैं कि अगर इंटरनेट बंद हो गया, 144 लगा दिया गया है, सेक्शन 144 लगा दिया गया तो किया क्या जाए। तो ऐसे में प्रशासन हालांकि फिलहाल इन कदमों को एहतियातन बता रहा है, प्रिकॉशनरी बता रहा है कि जो इंटरनेट बंद किया गया है वो भी प्रिकॉशन है, जो स्कूल कॉलेज बंद कर दिए हैं वो भी प्रिकॉशनरी है, लेकिन सड़कों पर अगर हम देखें तो आम दिनों से जो है चहलकदमी कम है, लोग कम सड़कों पर आ रहे हैं और जो शहर है, जो जैसे आपने कहा कुमकुम, जो संवेदनशील इलाके हैं वहां पर काफी स्ट्रिक्टली इम्पोज किया गया है, सिर्फ इस करके कि कहीं ना कहीं प्रशासन या पुलिस को ये लगता है कि अगर यहाँ पर कुछ हिंसा हो सकती है या दो समुदाय में तनाव हो सकता है, ऐसे जो इलाके हैं जहाँ पर दोनों समुदायों के लोग रहते हैं वहां पर काफी स्ट्रिक्टली ये चीजें इम्पोज की गई है। आप हमारे साथ लगातार बने रहे जम्मू से, कश्मीर से यानी कि घाटी से हमारे साथ हमारे संवाददाता आसिफ कुरैशी बने हुए, और दिल्ली में, क्योंकि देखिए दिल्ली का जो एक्शन होगा उसका रिएक्शन जम्मू कश्मीर में होगा, खासतौर पर घाटी यानी कि कश्मीर में होगा, वहां से हमारे संवाददाता विकास भदौरिया लगातार बने हुए हैं। आपसे भी हम यही कहेंगे खासतौर पर जम्मू कश्मीर के हमारे दर्शकों से, किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें।